वेलकम टू रीब्रॉक्स मकबैंग। ये मकबैंग मकबैंग क्या है? ये मकबैंग 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 पता क्या है? कुछ नहीं करना है फैमिली, आप ऐसे करो अपना खाना ले आओ। अगर आप खाना खा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं खा रहे हो आप अपना तो भी खाना ले आओ और हम भी खाना खाएंगे और हम इकट्ठे खाना खाएंगे। हाँ मतलब फ्रूट्स ले सकते हो, चिप्स ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, दैट इज ऑल योर यू नो चॉइस। एक सवाल था। हाँ जी। कोई चैलेंज नहीं है ये? नहीं खाना है यार, जैसे बेस्ट पार्ट ये देखो फैमिली, जोन से भी टाइम पे आप देख रहे हो, डिनर के टाइम देख रहे हो, डिनर के टाइम खाना खा सकते हो, हम भी खाना खा रहे हैं, आप अर्ली मॉर्निंग भी खाना खाते हो, आप तब देख सकते हो तब हम भी खाने खा रहे होंगे इसी टाइम। नहीं तो क्या ये वीडियो बाकी वीडियो की तरह नहीं है? नहीं क्यों? दिस इज जस्ट ईटिंग, इट्स लाइक आप पॉडकास्ट कर रहे हो और साथ में खाना खा रहे हो। पैसा बर्बाद। और फैमिली इसके बीच में सबसे तो इसके लिए तुमने 3 कैमरा लगवाए हैं यार, अच्छा लगता है यार। हमने लोगों का देखा मकबैंग 3-3-4 वो पता है पूरे 5-5 कैमरा लगा के रखते हैं, वो तो सीसीटीवी कैमरा भी यूज करते हैं। संजय देख हमें पता है कि तुझे खाना पसंद है, यू नो कि मतलब ही इज अ फूडी। यस हम नहीं है। मैं फूडी खा के मैं कहां अपना थुरथुरापन लेके जाऊंगा? मैं ये कहां से टपाची हटाऊंगी यार? ये फैमिली मकबैंग का क्या फंडा है? संजय बोलता है ये किस कैमरे में देख के बोलूं आपको, जहां देखना देखूंगा, इतनी आदत नहीं है। सो फैमिली समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें करना क्या है। सो संजय का कहना यह है कि हमें सिर्फ खाना है और अपनी पर्सनल बातें करनी है, दैट्स इट। यस वैसे ही होते सारे मकबैंग यार। सो फैमिली ये वीडियो रेगुलर वीडियो की तरह तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ये वीडियो है बिल्कुल A1 से भी ऊपर ऊपर, क्योंकि 9th फ्लोर पे शूट कर रहे हैं। आज की वीडियो पॉसिबल हो पाई है बाय कॉइन डीसीएक्स। इट इज द सिंपलेस्ट एंड द लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, जहां पर आप डिपॉजिट एंड विड्रॉ करवा सकते हो एट एनी टाइम। फैमिली कॉइन डीसीएक्स इज इंश्योर्ड बाय बिटको एंड आल्सो आईएसओ सर्टिफाइड। आल्सो दे हैव अ लर्निंग प्लेटफॉर्म नोन एज डीसीएक्स लर्न, जहां पर आप ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी सीख सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री। आप डिपॉजिट करवा सकते हो एज लो एज 100 रुपीज एंड देन क्रिप्टो बाय कर सकते हो एज लो एज 10 रुपीज में। वाह। सो फैमिली बस डाउनलोड करने के वक्त आपको हमारा कूपन कोड यूज करना है Remorov100, तो आपको मिलेंगे 100 रुपीज के बिटकॉइन एब्सोल्युटली फ्री। डाउनलोड कॉइन डीसीएक्स ऐप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओ माय गॉड, ठंडा ठंडा पिज्जा, ठंडा मूड की लोग है डूड, पूरा खाने का नहीं मन कर रहा है। तो फैमिली अब आप भी सिर्फ अपना खाना ले और खाना खाओ साथ में, क्योंकि खाना खाने की बात है ये। मैं मशरूम निकाल दूंगी। क्या मशरूम कौन डालता है यार, बताओ। एग्जैक्टली अगर आप मशरूम खाते हो तो चेस करो। वेट फैमिली आप अपना खाना लेकर आओ, साथ में बातें करते हैं। और यार क्या कर रहा है तू ये? आ जाओ रेडी। चीयर्स। चीयर्स। ओह माय गॉड। ठंडा पिज्जा मेरे को तो टेस्ट आ ही नहीं रहा। फैमिली टेस्ट आ रहा है, ट्रस्ट मी टेस्ट आ रहा है। हम लोग ना चीजें खाएंगे और स्लो स्लो चीजें और आती रहेंगी, मतलब हमारा खाना नहीं रुक रहा। खाना नहीं रुक रहा और सिर्फ बातें करेंगे तो अगले 10 मिनट तक हम बस खाते रहेंगे और नहीं तो क्या? अभी मजा आएगा ना भिड़ो, इसका सपना पूरा हो गया। सो फैमिली भाई देव आपको बताना भूल गया कि हमने हमारा जो नेक्स्ट चैलेंज आने वाला है 24 आवर चैलेंजेस आर बैक। समझ नहीं लग रहा फोकस कर रहे खाने पे करें या बात करने पे करें। ये संजय का आइडिया था। वो कुछ बोल ही रहा। हम इस वीक 2 वीडियोस लाए हैं, एक तो मकबैंग जिसमें आप भी खाना खा रहे हैं, हम भी खाना खा रहे हैं, एंजॉय। फैमिली दिस इज लाइक अ एक्सपेरिमेंटल वीडियो। मैं आपको पसंद आई तो हम ऐसे खाना खाते खाते अपना पेट बढ़ाते रहेंगे और कुछ और अपने किस्से शेयर करते रहेंगे। यस और जो 24 आवर्स बेसिकली जो चैलेंज है वो बेसिकली यू नो द मेन वीडियो होने वाली है। एंड गाइस सैलेड पे ये मरता है, बट वैसे बात की जाए तो घंटा ये सैलेड खाता है। मैं खाता हूँ सैलेड, पिज्जा के ऊपर सैलेड खा रहे सालों पहले, सैलेड खाते हैं। हाँ किसी न्यूट्रिशनिस्ट से पूछना, ठीक ठाक किया। हाय हाय। चीयर्स। फैमिली बड़ी घटिया। मुझे मैं कहता हूँ उसको पैक करके रिटर्न कर देता। मैं इस वजह से नहीं ये खाऊंगी। ये क्या है? मुझे ये नींबू। ये क्या ऊपर? नींबू। चिंचड़। अबे चिंचड़ नहीं है वो, सीड है। नींबू बांदरी के लिए नींबू। दूरी कौन से है यार?
फैमिली अगर आपको पता नहीं दीक्षा का घर का नेम है नींबू बांदरी। यार हम प्यार से इसको नींबू बांदरी बोलते हैं। हाउ इज इट? यस नींबू बांदरी। संजय का पिंकू बांदर। अच्छा इसका मच्छर भी है, पिंडी भी है, और क्या कहते हैं? जस्ट बिकॉज़ आई एम टेलिंग वन दैट डजंट मीन कि ये सब बोलेगा डूडी। सब तो भी बोल, हनी बोल। मैं तो पहली बाइट ली मेरे हाथ में, अरे मन ही नहीं कर रहा मेरा। ओए आ नहीं रहा ना। कहां संजय पहली बाइट ले यार, दिमाग खराब कर जा रहे हैं। फैमिली हम लोग खाने को बैठे हैं, चट पहनी अभी तेरे मारी दे इतना टाइम का। खा फूड खा रहा हूँ यार। 3, 2, 1 दो। मेरा हो गया मकबैंग, मेरा भर गया पेट इतने में। इसे कहते हैं यार मकबैंग मैन, ये कौन खाता बताओ। इसके कैमरे में भी देखो। यस फैमिली हाँ, जितना मजा खाने में आ रहा है उतना फैट गेन करने में भी आ रहा है। नहीं अच्छा लगा। मैं सोचता हूँ हम तीनों के जो बच्चे हो जाएंगे तो कैसे होंगे। दीक्षा संजय का कैसा होगा बच्चा? संजय का बच्चा गेमिंग वाला ही होगा। अगर लड़का हुआ और लड़की हुई तो मिलते वो भी गेम ही खेलेगी। हाँ फर्स्ट इंडियन गर्ल गेमर जी, वो भी टूर्नामेंट नहीं जीतेगी, वो कहेगी अरे पापा पैकेट लॉस आ गया। फिर संजय आगे से बोलेगा ये तो मैं बहाने लगाता था, बहुत शाबाश बेटी तुम्हें। आपका जो बच्चा होगा मैम नहीं, वो एडिटिंग करता रहेगा मुझे लगता है। एडिट नहीं, वो व्लॉग के बारे में रोज ऐसे घूमता रहेगा। नहीं जैसे भैया बचपन से बाय द वे मैम ने अगर पता नहीं है भैया बचपन से एडिटिंग कर रहे हैं। दीक्षा का पता कैसे होगा? एकदम दीक्षा पे की होगी, कुछ थप्पड़ मारते तो रोने लग जाएगी, ठीक है नेल नहीं लगाएगी, फिर ऊपर जाके लॉक करके चले जाएगी, बैठी रहेगी। प्लीज एंजॉय आगे क्या, प्लीज एंजॉय योर फूड। अगर मैं इसको अपने पे रख लूं प्लीज एंजॉय योर एंटरटेनमेंट। यार वैसे दिखा जब मैं आपको चीज बताता हूँ, दीक्षा ने मतलब जब से बचपन से खाना खाती राइट, बचपन से खाती, इसको कभी खाने की अकल नहीं है। दिस इज ट्रू। आज दिखेगी, आज दिखेगी क्योंकि ये देखो दीक्षा के इधर ही नूडल्स गिरे। मुझे खाना नहीं आता सीधा ये बोलना, मैं प्याज गिरेंगे नहीं देखो। Oh my God! My hotel's onion got stuck in the plate. I don't know what to do. चलो यार। Oh my God! Oh, पहले पहले। यार सुनो यार, आप लोग टॉपिक में नहीं आ रहे, मैं भी अपनी बातें दोनों शुरू करें। ऐसे करो। रोटी। कदोवाड़ी संजय की रोटी। So family मैं अभी बात करती हूँ, ये दोनों अपनी बातें, इनको ना अकेले कोई मकबैंग करवा दो क्योंकि बोल तो रहे नहीं। चलेगा डन यार, I don't mind. So family. वैसे भी दिशा का टाइम भी वेस्ट हो रहा है, बकी जा रही बीच में। चुप हो जा। सर चुप ही नहीं होता मैं। I'm being very serious, I know. Stop. हो गरम। क्या इन्होंने ब्रो प्लेट को ताल से नहीं बनाई है? नहीं ये टिश्यू वॉशर में से निकाली है, हमारे घर में भी इतनी गर्म गर्मी होती है। भिंडी भिंडी खाएंगे। और ओ माय क्राई पनीर। क्राई फैमिली इतनी सारी असाइनमेंट है, मेरी जान निकल गई। मैं रो रो के अपनी, मेरे दोस्त कहते हैं वो भाई जो रोने में टाइम वेस्ट कर रही है वो लिखने में कर ले। फिर ये लिख के रोई। हाँ मैं लिख रही हूँ, रो रही हूँ। और मैंने भैया ऊपर से कॉल करके कह रहे हैं तूने ना मुझे एक भी कॉल नहीं किया, मैं चंडीगढ़ गया और मैं इधर असाइनमेंट लिख रही हूँ और मैं रोने लग गई ना। मैंने कहा अरे यार दो दिन में 12 असाइनमेंट्स। दीक्षा का बॉयफ्रेंड जो बन चुका है अर्जुन। यस अर्जुन ने इसको प्रपोज भी किया है, सो होपफुली जो प्रपोजल। कौन सा ये अर्जुन? पहले बंदा बताओ कौन है यार। मैंने मेकअप लाके दिया था तेरे को यार। हाँ जानबूझ कैसे बोले समझ ना है। हाँ जो अम्बी रोटी खाई इसलिए जान। कोई बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा फैमिली। हाँ हस्बैंड ही है। तो तेरे शादी भी बताया भी नहीं। पता नहीं कहाँ से कोई अर्जुन पैदा कर रहा अपने आप ही। मैं कैसे हाँ मैं यार ये लड़के कैसे बॉप कर जा रहे हैं मेरे सामने। खुद अकेली बैठी गई थी आज को है नहीं। खुद पद मारते रहते आज बोलती ये गल है नहीं कभी पद नहीं मारती है। ऊपर वाले कभी रूम में जाना पड़ा तो बंदा सीढ़ियों में बेहोश हो गए। सबको पता है कौन कैसा है ठीक है। ठीक यार डूडी स्टॉप। मैं कहता हूं स्टॉप मैंने कर ओ ये चम्मच लगने वाला फोक होता है। हां सो लाइक आई सेड फैमिली इसका जो रूम है अभी नो स्टॉप लेट मी टॉक फैमिली पनिशमेंट की बात करनी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल भाई। ओके डूडी चुप करो कोई भी ना इसके रूम में जाता है
तो सीढ़ियों पे इतने स्मेल आ रही थी ना, उधर ही वेंटिलेटर पे चला जाता ब्रो मुझे रीकिंग फैमिली भी बैठ के खा रही है, फैमिली भी खाना खा रही, तू क्या पदभूसी वाली बातें कर रही है। अच्छा ये नहीं बोल रही, ये नहीं बोला, सॉरी खाओ खाओ, सॉरी सॉरी सॉरी। ऐसे आपके परिवार में कोई आपके भाई बहन होंगे जो yes. जब तुम खाना खाने लगो तभी ऐसी कोई घटिया बात करेंगे? और ये हमारे घर पे होता भी कभी, मैं खाने लगे कहते तुम्हें पता है फजलू पोटी थोड़ी पतली आई है, तेरी नहीं करनी चीप लगता है, ठीक है? जो आपने फैमिली पनिशमेंट दी है भैया के लिए पनिशमेंट थी यार, ये मैं तो इसमें ठंड लग रही है थोड़ी जाओ। वो द अप्स, ये से आते द अपसाइड डाउन ग्लोब जंप भाई, ऐसे ठक करके गिरा ना नीचे। वो गुलाब जामुन और रसमलाई मिक्स होके बन गई गुलासमलाई। गुलासमलाई आई हैव माय ग्लूटेन फ्री पेस्ट्री। ग्लूटेन नहीं होता मैं तो टन होता है, ग्लूटेन क्या टन ग्लूटेन, मेरे को न्यूटन पता है। न्यूटन का लो, न्यूटन लो। ओ संजय ये बताओ, संजय ने इतना खरी है ग्लूटेन फ्री खा के इसका क्या हो जाएगा? ये क्या ग्लूटेन फ्री रोटी थी ना, ग्लूटेन फ्री होती है पता नहीं, वहाँ पे लिखा था ग्लूटेन, मैं चल ट्राई कर लेते हैं। वो मकबैंग वाले दिखाते ना, बड़ी जल्दी चलते आ गए मुझे वो यार जुड़ी, वो मेकअप प्रोडक्ट दिखाते वो मेकअप ये क्यों कर रहे हैं प्राइस। ओह माय गॉड, आज देखो खाने की अकल है ही नहीं। मैं तो मैं थोड़ी क्लमजी हूं। तू 21 इयर्स की हो गई है, देखो पता है ये 21 और ये इसकी हरकत है बहुत यम्मी है मैम। ऐसे रिएक्शन देना ऐसा लगे कि बहुत टेस्टी है ना इसमें मगबैंग में। क्या माय लास्ट बट नॉट लीस्ट, ग्लूटेन से तो ग्लूटेन फ्री क्यों खा रहा फिर? अच्छा याद आया, उसे इन्फेक्शन हो जाती है आपके लिवर से। लिवर से इन्फेक्शन हो जाती है किससे? ग्लूटेन से। ग्लूटेन से इसलिए दिस इज ग्लूटेन फ्री। अपेंडली मेरा पेट खराब है तो इसलिए मैं ग्लूटेन फ्री। सवाल की मैं बताऊं तो इसको टट्टियां लगी हुई है। मैं भी मेरा पेट ना बहुत भर गया है। पहला प्रश्न टट्टी मम्मी दिस इज सो यम्मी पूरा जलेना फजने की। अब क्या करना है बस खत्म खत्म। ये क्या वीडियो थी? यही था बस।